सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो को, और यहाँ पे जो अपडेटेड वर्जन आया है विजुअल स्टूडियो का। सो गाइस, यहाँ पे काफी अपडेट के बारे में भी बात करेंगे और हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गाइस। तो जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूँ आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि अभी हम लोग अपने डिस्प्ले पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि आ जाना है अपने ब्राउजर के अंदर। आप लोग कोई भी ब्राउजर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है विजुअल स्टूडियो 2022। ऑलराइट, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, टाइप करोगे गाइस, तो आपको सबसे पहला यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो गाइस, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको गाइस हर ओएस का मिल जाता है। जैसे आपको लिनक्स पे करना है, विंडोज पे करना है, मैक पे करना है, तो यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ अपडेट्स का गाइस, तो यहाँ पे हम लोग सबसे अपडेटेड वर्जन यूज करेंगे जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जुलाई में आपको 2022 में। तो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे बहुत सारा चीज जो है वो अपडेट हुआ है। जैसे आपको जो टाइटल बार था, जो हमारा टॉप के सेक्शन में हमारा आता था, वहां पे कुछ हम लोग अपना क्या है कि अभी यहाँ पे कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को जैसा जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग वहां पे एलिमेंट और चीज को रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज आया है गाइस। जैसे इसमें मेरे को एक सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि स्टिकी स्क्रॉल प्रीव्यू। इससे हमारा क्या होता है गाइस कि अगर एक डिव के अंदर हम लोग काफी ज्यादा कोडिंग कर देते हैं और उसका डिव टैग फिर क्लोज कर देते हैं, फिर इसमें अभी क्या होता है गाइस कि जब भी हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो हमारा जो ऊपर जो ओपन टैग रहेगा, ठीक है, चाहे वो डिव टैग रहे, वो कोई भी टैग रहे, वो हमारा ऊपर में स्टिक हो जाएगा जब तक उसका क्लोजिंग टैग नहीं आता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा फीचर है गाइस। और यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन के बारे में भी बात करेंगे कि हम लोग को मतलब कि अगर रन करना है क्विकली, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लाइव सर्वर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ओपन विद डिफॉल्ट का हमारा एक एक्सटेंशन आ जाता है, उन सारी चीज को भी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग सिंपली डाउनलोड पे चले जाना है। यहाँ पे आपको राइट टॉप में दिख रहा होगा, तो सिंपली जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमको वापस इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। अभी मैं यहाँ पे विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे विंडोज के लिए डाउनलोड कर लूंगा। तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा सेटअप डाउनलोड होने लग गया। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है ओवरव्यू सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और एक्सटेंशन के बारे में मैं बात कर लूंगा पर्सनली मैं कौन कौन सा एक्सटेंशन यूज करता हूँ। ठीक है, जो भी है, जो हमारे अभी वर्क को मतलब की स्पीड बूस्ट करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ गाइस, तो सिंपली मैं यहाँ पे शो इन फोल्डर कर देता हूँ और ये हमारा सेटअप फाइल है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा फाइल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको 80 MB का समझ लीजिए कि मिल जाएगा फाइल देखने के लिए। तो ये हमारा सेटअप फाइल हो चुका है डाउनलोड गाइस। अब इसको हम लोग फटाफट सेट कर लेते हैं रन और देख लेते हैं ये कैसे अभी हम लोग का इंस्टॉलेशन होगा। तो सिंपली हम इससे exe फाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो exe फाइल है वो रन हो रहा है। और यहाँ पे आपको iExecet पे सिंपली क्लिक कर देना है और फिर आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वापस से आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग सिंपली करते हैं, यहाँ पे आइकन अपने को चाहिए डेस्कटॉप के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टिक कर देते हैं। और अगर आपको आइकन डेस्कटॉप पे नहीं शो करना है तो आप लोग सिंपली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वापस से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है गाइस, फिर आपका यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है अब। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी इजी यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन था, तो जो भी हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो कम्प्लीटली हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये क्विकली हमारा इंस्टॉल्ड हो जाएगा हमारे पीसी पे, और फिर इसको हम लोग रन करके देख लेंगे कि क्या न्यू इंटरफेस अभी हम लोग को 2022 में देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को मैसेज मिल चुका है कि हमारा जो सेटअप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ और देख सकते हैं कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा जो कोड एडिटर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है विजुअल स्टूडियो, और यहाँ पे हमको शॉर्टकट्स भी क्रिएट होकर के मेरे डेस्कटॉप पे भी मिल चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज मेरे को देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से ही
मैं डाउनलोड करके था रखा हुआ, तो उसमें हमारा जो मतलब आप अगर पहली बार करोगे तो आपको थीम वगैरह सिलेक्ट करने का बोलेगा कि आपको लाइट या फिर डार्क जो भी थीम चाहिए, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हम कौन कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड ऑलरेडी करके रख चुके हैं, जिसमें यहाँ पे अगर डिजाइनिंग से रिलेटेड मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे HTML का स्निपर्स जो आपका एक्सटेंशन देखने के लिए मिल जाता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है, उसका सजेशन काफी क्विकली रहता है, कोई भी टैग अगर आप टाइप कर रहे हो तो वो आपको बहुत क्विकली सजेस्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे बात है गाइज एक्सटेंशन का, वो हमारा लाइव सर्वर है, ठीक है। लाइव सर्वर काफी ज्यादा हम लोग को हेल्प करता है गाइज, अगर हम लोग इसको सिंपली रन कर रहे हैं तो हम लोग को बार बार ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे अपना सेव करता हूँ कोड को, वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट मतलब विदाउट ए रिफ्रेश किए हुए वेब पेज को वहां पे हमारा शो करता है। और इससे एक और चीज हमारा हो जाता है गाइज, अगर आप पे सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, अगर आप अपने मोबाइल और अपने पीसी को सेम वाईफाई से कनेक्टेड रखे हुए, तो जो भी आपका यहाँ पे होस्ट क्रिएट होता है, जो आप सर्वर लाइव सर्वर जैसे ही आप रन करते हो तो एक आपको लाइव सर्वर वहां पे देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो आपको दिखा रहा है, तो इसमें क्या आएगा इसकी, अगर वो सेम चीज आप अपने मोबाइल के ब्राउजर पे भी अगर रन करते हो तो वो सेम चीज आपको मोबाइल पे भी दिखेगा, जिसे आप रिस्पॉन्सिव भी इजिली चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एक और मेरे को चीज देखने के लिए मिल जाता है गाइज, यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ ओपन इन ब्राउजर, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है गाइज। यहाँ पे कभी भी हम लोग को अगर लाइव सर्वर नहीं यूज करना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइव सर्वर में जो हमारा CSS या फिर जो भी JavaScript वगैरह लिंक होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये हमारा परफेक्टली वर्क करने के लिए यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर के नेम से एक्सटेंशन है, इसको भी आप लोग डाउनलोड करके इजिली यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे ओपन विद डिफॉल्ट ब्राउजर का आपको ऑप्शन शो होने लगेगा। तो अभी मैं एक बार आपको लोग को देख लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा परफेक्टली हर एक चीज वर्क कर रहा है, उसके लिए हम लोग एक फटाफट से कोई भी यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर हम लोग एक छोटा सा HTML का कोड रन करके देखेंगे कि यहाँ पे हमारा परफेक्टली जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं index.html तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। अभी देखिए जैसे ही मैं इस पे कुछ इस तरीके से डालता हूँ, इंटर करते हैं, तो ये हेल्प हमारा हो जाता है जो HTML एक्सटेंशन ये जो आपको देखने के लिए मिल जाता है, HTML का ये स्निपर्स जो आपको ये एक्सटेंशन है वो हम लोग को ये हेल्प कर रहा है कि हम लोग जैसे ही यहाँ पे हम लोग को पूरा सिंटेक्स नहीं लिखना पड़ता है HTML का, सिंपली मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से डालता हूँ और इंटर करते हैं, हर एक चीज हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। H1 टैग डालते हैं, अगर सपोज मैं यहाँ पे ऑल राइट बॉडी के अंदर अगर मैं सिंपल सा एक H1 टैग डाल दूं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं H1 लिखा था और कुछ इस तरीके से टैब या फिर इंटर आप टाइप करोगे तो आपको ऐसा ऑटोमेटिक मतलब क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ और अभी मैं बात कर रहा था जो आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का, तो उसमें हमारा हेल्प क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ गाइस, तो हमारा अभी देखिए यहाँ पे मेरा ब्राउजर पे ओपन हो चुका है। और इससे हमारा सबसे बड़ा हेल्प क्या होता है कि अगर मेरे को सपोज इसको सेंटर में करना है तो मैं सिंपली स्टाइल एक लगा दूंगा, अभी क्या है गाइस कि जैसे मैं इसको सेव करूंगा और अपने वेब पेज को मैं यहां पे रिलोड भी नहीं करूंगा, रिफ्रेश भी नहीं करूंगा, और जो भी हमारा रहेगा वो डिटेल्स जो भी हमारा कोड है वो हमारा ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा ब्राउजर पे। तो देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे अभी मैं सिंपली सेव किया था सिर्फ और यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक चेंजेस हो चुका है। तो देख सकते हैं कि काफी क्विकली यहाँ पे हमारा वर्क करता है, तो इसलिए हम लोग ओपन इसलिए आप लोग भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लाइव सर्वर का एक्सटेंशन था वो, ठीक है। अभी बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कोई किसी भी चीज को लिंक करते हैं तो उसमें हम लोग को कभी कभी लाइव सर्वर में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कभी कोई चीज सही से लिंक वगैरह नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग ओपन विद डिफॉल्ट ब्राउजर करते हैं। उसको अगर मैं इंस्टॉल कर चुका हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे को देखने के लिए मिल जाएगा, आप अगर नहीं किए हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको पहले एक्सटेंशन को कर लेना पड़ेगा इंस्टॉल्ड, उसके बाद आप लोग जैसे ही राइट क्लिक करोगे अपने पेज पे आकर के तो ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर सेट किए हुए हो, क्रोम या फिर कोई भी आप ब्राउजर यूज करते हो, तो आपको उस पर सिंपली ओपन करके वेब पेज को दिखा देगा। तो देख सकते हैं गाइस कि काफी क्विकली यहाँ पे अगर मैं कुछ CSS डाल दूं
और जैसे हम लोग सेव करेंगे तो देख सकते हैं कि लाइव सर्वर काफी अच्छा काम कर रहा है। और अभी देखिए, अगर इसको आपको साथों साथ आपके मोबाइल पे भी देखना है, ठीक है, कि आपके मोबाइल पे कैसा दिख रहा है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये जो आपको आईपी एड्रेस देखने के लिए मिल रहा है और उसके बाद स्लैश इंडेक्स है, या फिर आप कोई भी पेज अगर रन कर रहे हो तो सिंपली आप उसको सेम चीज आप टाइप कर दो अपने ब्राउजर पे, अपने मतलब कि मोबाइल के ब्राउजर पे, तो आपको ये सेम पेज जो अभी मैं यहाँ बनाया हूँ, आप जो भी बनाओगे वो आपको वहां पे मोबाइल पे शो होने लगेगा। बट यहाँ पे बस एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि आपका जो वाईफाई है और जो आपको पीसी का वाईफाई है वो दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए दोनों डिवाइस। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है और जो भी हमारा यूजफुल एक्सटेंशन था उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि हम लोग कैसे अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल्ड और डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का। सो गाइस, वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।